हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है और ये ड्रेस हमने ट्रायंगल शेप में बनाई है। इसे बनाना बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है, आपको वीडियो में सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अगर आपको बाई चांस कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस। अब देखिए गाइस, ये पोशाक हम बनाने वाले हैं 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई ली है दोनों 7.25 इंच। ये देखिए इतनी 5 नंबर के लिए हमने 7.25 इंच ली है। आप सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट देख लें, 0 साइज़ के लिए रहेगी ये 3.5 इंच, 1 नंबर के लिए 4.25 इंच ये देखिए, और 2 नंबर के लिए 5 इंच, 3 नंबर के लिए 5.75 इंच इतनी, और 4 नंबर के लिए 6.5 इंच, 5 नंबर के लिए 7.25 इंच जो मैंने अभी आपको बताया, और 6 नंबर के लिए 8 इंच, 7 नंबर के लिए 8.75 इंच ये देखिए, 8 नंबर के लिए 9.5 इंच, 9 नंबर के लिए 10.25 इंच, 10 नंबर के लिए 11 इंच। तो इतनी लंबाई और चौड़ाई का हमने बुकरम का पीस लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया है 7.25 इंच का। ये देखिए यहाँ से ये 7.25 इंच, तो ये आई थिंक एक साइड से थोड़ा सा छोटा कट गया है, ये मेरा प्रॉपर एकदम अच्छे से नहीं कटा है। ये देखिए ये इस साइड से है हमारा 7.25 इंच, तो कोई ये एक साइड आपकी रहेगी 7.25 इंच और बाकी अगर कम भी रहेगी तो भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कट करना है। तो बस ये क्या करना है, यहाँ से फिर हमें 7.25 इंच का ये मार्क करना है, ऐसे करके ये हमने मार्क किया इधर से, और इधर से भी हमें 7.25 इंच का मार्क करना है। ये देखिए तो ये वाला मार्क हमारा आ रहा है इधर, यहाँ पे लगाएंगे और फिर से हम इधर से करेंगे, दोनों हमारा 7.25 इंच पे मिल जाना चाहिए। तो ये देखिए इधर से फिर नहीं मिल रहा है तो हमें फिर लगाना पड़ेगा, इसका यही प्रोसेस है। ये देखिए अब यहाँ पे मिल जा रहा है ये, तो हम यहाँ पे इसे कर लेंगे ऐसे करके। ये देखिए अगर आपकी 3 साइड छोटी भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पूरा लगता ही नहीं है, इतना ही लगेगा। अब ये इधर से भी 7.25 इंच का है, इधर से भी और इधर से भी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम वाइट कलर में अस्तर का फैब्रिक पेस्ट कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो चिपक जाएगा। चलिए मैं काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया है, अब हमने यहाँ पर ये नेट का फैब्रिक लिया है, ये हमने 3 इंच लंबाई और चौड़ाई का लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, ये हमने बैगनी कलर का लिया है, फिर एक बार फोल्ड करेंगे, हमने 2 बार फोल्ड किया। ये देखिए अब इधर से एक बार फोल्ड कर लेंगे और इधर से यहाँ से सिलाई लगा देंगे, हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। मैं एक बार और आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। अब ये फोल्डेड साइड ऊपर रहेगी और इसकी ये जो चारों खुली हुई साइड्स हैं ये नीचे की साइड रहेंगी, हमें यहाँ से ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइन बना लिए हैं। हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइंस को यहाँ पे रख के ऐसे सिलेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है, अपने ड्रेस से बाहर निकालते हुए ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। तो चलिए हम लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये फ्रिल्स अटैच कर दी हैं, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हमें सेंटर पे सर्कल में कट करना है, तो जहाँ पे आपको सर्कल में कट करना है वहाँ एकदम सेंटर पे ऐसे नाखून लगा के इसे मोड़ लें और फिर एक बार इधर से मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ये हम कमर कट कर रहे हैं।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये सर्कल कट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पे पहले इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं अलग। ये जिसे हमें पहनाने में इजी रहे। और अब हमने यहाँ ये नेट का फैब्रिक कट किया है। मेन होती है इसकी चौड़ाई, ये देखिए यहाँ से ऐसे नाप के लेनी है, पूरा इतना है हमारे चौड़ाई। तो ये हमने चौड़ाई ले ली है। और लंबाई पे मैंने यहाँ 45-45 इंच के दो पीसेस लिए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलेंगे, ये देखिए ऐसे प्लेट बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्लेट बना के सिलेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इस पर आप कैसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये प्लेट बना दी है, काफ़ी अच्छी फ्रिल बनी है। अगर आप ये फ्रिल बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने सिलाई मशीन के ऊपर बना के दिखाया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा है डिज़ाइन का फ्रिल, उसे हमें कट करके हटाना है। ये देखिए ये ऐसे ये हम कट कर देंगे। तो चलिए हम पूरे पर कट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद हमने यहाँ पे ये देखिए इसमें से कट किया है, इस तरह की लेस थी इसमें से कट कर लिया है। इसे हम यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे जिससे ये हमारी सिलाई कट कवर हो जाए। ये देखिए तीनों साइड से हमें लगाना है, इधर से भी। और इसे लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमने जो फ्रिल तैयार की है इसे हम यहाँ ये देखिए ये सर्कल पे रख के सिल देंगे। तो ये देखिए ये आपको लग रहा है कि थोड़ी सी छोटी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसे हल्का सा पास लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा हम ऐसे सर्कल बना लेंगे, और थोड़ी दूर से जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पूरा हमारा अटैच हो जाएगा। चलिए हम इसे सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सर्कल पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके हटा देना है। तो कट कर देते हैं, बैक साइड से कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये कट जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से भी एक्स्ट्रा है इसे भी कट कर देते हैं, कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे, तो ये जो हमने लेस अटैच की है उसी के बराबरी में हमने इसे कट करना है, जिससे जो हमने डिज़ाइन लगाई है वो हमारी डिज़ाइन क्लियर दिखे। ये देखिए एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए अब इधर से कट करेंगे, तो ये जो हमने अभी लेस अटैच की है उसी के बराबरी में बस कट करते चले जाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया, और अब हमने यहाँ पे ये पिप्स लिया है। ये देखिए इसे ऐसे हमें कमर पे लगाना है, बट इसे लगाने से पहले हमने यहाँ पे ये डोरी ली है, इसे हम यहाँ रख के ऐसे सिल देंगे, ये हमारे बांधने के काम आएगी। और फिर ये पिप्स लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे वाइट कलर में देखिए मोती ली है, इसे यहाँ पर एक एक हम बीच बीच में लगाएंगे ऐसे करके। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ये कुछ इस तरह से लगाना है हमें। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि चोली कैसे बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये ड्रेस रेडी कर दी है, ये सारी मोती हमने ग्लूगन की हेल्प से चिपका दिया है इसके ऊपर, बट आप सिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लूगन की हेल्प से ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, जगह जगह से ऐसे निकला रहता है। तो आप सुई धागे से सिल लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने यहाँ पर चोली के लिए फैब्रिक ले लिया है, तो मेज़रमेंट देख लेते हैं सभी साइज़ के लिए। ये देखिए 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पे 10 इंच लंबाई और चौड़ाई का ये नेट का फैब्रिक ले लिया है। ये दोनों साइड से हमारा 10 इंच है, क्योंकि ये पर्पल कलर में नेट का फैब्रिक हमने लिया है। हम इसे ये देखिए ये एक राउंड हुआ, फिर इधर से थोड़ा सा फोल्ड किया, फिर इधर से, और फिर दोनों को इकट्ठा रख के ऐसे फोल्ड करके सिलना है। मतलब कि इतना हमें डार्क कर देना है कि पीछे से कुछ दिखे ना।
तो ऐसे करके हम इसे सिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों ली है। आप सभी साइज़ के लिए मेज़रमेंट देख लें। 0 साइज़ के लिए आपको चाहिए 5 इंच लंबाई और चौड़ाई, 1 नंबर के लिए 6 इंच, 2 नंबर के लिए 7 इंच, 3 नंबर के लिए 8 इंच, 4 नंबर के लिए 9 इंच, 5 नंबर के लिए 10 इंच, 6 नंबर के लिए 11 इंच, 7 नंबर के लिए 12 इंच, 8 नंबर के लिए 13 इंच, 9 नंबर के लिए 14 इंच और 10 नंबर के लिए 15 इंच लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सिल देते हैं और सिलने के बाद देखिए क्या करेंगे कि मान लीजिए ऐसे सिल गया तो ये हम लेस लगा देंगे इसके ऊपर, एक बार कट करके दो लाइन हम कट करेंगे और इसके बाद सीधे में लगा देंगे। चलिए इतना काम करते हैं, फिर आगे दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट किया, अब ऐसे उल्टी साइड से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे वी शेप में सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह सा हो जाएगा ऐसे करके, और इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए ऐसे करके लग जाएगा। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया। अब ये देखिए ये एक कंधे से ऐसे पीछे आएगा और ये दूसरे कंधे से ऐसे पीछे आएगा और फिर हम पीछे ये डोरी की हेल्प से बांध देंगे कमर के साथ ही, तो ये हमारी चोली अटैच हो जाएगी। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। ये देखिए कुछ इस तरह की चोली आई है हमारी, आप देखें बहुत ही सुंदर लग रही है और हमारी ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही है। हमने एकदम डिफरेंट डिज़ाइन की ड्रेस आपके साथ शेयर की है, ये देखिए। तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए इसे बनाएं और आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।